साथियों, बीआई की अनेक उपलब्धियों में से एक उपलब्धि ऐसी है जिसने हमारे खेत की तस्वीर ही नहीं बल्कि हम किसानों की तकदीर भी बदल दी। इस करामाती उपहार का नाम है बायोविटा। अब मैं बीआई के वरिष्ठ अधिकारी श्री श्याम का स्वागत करता हूँ ताकि वो हम लोगों को बायोविटा के बारे में कुछ जानकारी दें। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, बायोविटा पीआई के अत्याधुनिक व प्रमाणिक अनुसंधान पर आधारित एक अनूठा उत्पाद है जो उत्तरी अटलांटिक सागर में प्राकृतिक रूप से उगने वाली समुद्री घास एस्पोफाइलम नोडोसम से बना है। बायोविटा की शुद्धता और गुणवत्ता का प्रमाण कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों ने किया है। बायोविटा का प्रयोग सभी प्रकार की फसलों में किया जा सकता है। शुक्रिया श्रीमान। तो भाइयों, अब सुनते हैं बायोविटा की कहानी एक खुशहाल किसान की जुबानी। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं बलराम आप सबके साथ अपना अनुभव बांटना चाहता हूँ। पीआई द्वारा निर्मित बायोविटा से कई वर्षों तक न सिर्फ मुझे उच्च गुणवत्ता वाली फसलें मिली बल्कि मेरी जमीन की उर्वरक शक्ति भी बरकरार रही, जिसके लिए मैं पीआई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है बलराम भाई, हमको भी अपनी खुशहाली का राज बताओ। अरे मेरी ही नहीं, पूरी गांव की खुशहाली का राज जानना हो तो हमारे गांव आओ और खुद देखो। गोपाल भैया, हमारे गांव में आपका स्वागत है। और सुनाइए, कैसे आना हुआ? तुमसे तुम्हारी अच्छी फसल का राज जानने आया हूँ। हमारे गांव की फसलें बहुत कमजोर और बेजान होती जा रही हैं। पता नहीं क्यों, पर धीरे धीरे जमीन की उपजाऊ क्षमता भी कम हो रही है। अरे गोपाल भैया, आप चिंता ना करें, केवल यही है आपकी समस्या का समाधान। बायोविटा 60 से अधिक प्राकृतिक पौष्टिक यौगिकों का मिश्रण है जो फसलों की गुणवत्ता को बनाए रखता है। बायोविटा भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला असली समुद्री शैवाल से बना उत्पाद है। बायोविटा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? बायोविटा का प्रयोग सभी प्रकार की फसलों में किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि गेहूं की फसल में बायोविटा का प्रयोग कब और कैसे करना चाहिए। बायोविटा का इस्तेमाल हमें गेहूं की मुख्य अवस्थाओं में करना चाहिए। किसानों द्वारा प्रयोग की सुविधा के लिए बायोविटा दो रूप में उपलब्ध है, बायोविटा दानेदार और बायोविटा लिक्विड। बायोविटा दानेदार का प्रयोग बुआई के समय बीज अथवा खाद के साथ मिलाकर किया जाना चाहिए। बुआई के समय बायोविटा दानेदार का प्रयोग करने से गेहूं का अंकुरण जल्दी और अच्छा होता है तथा जड़ों का अच्छा विकास होता है, जिससे पौधे की मिट्टी से पोषण लेने की क्षमता बढ़ती है। बायोविटा दानेदार का प्रयोग बुआई के समय के अलावा पहली सिंचाई के समय भी किया जा सकता है, जिससे गेहूं के पौधे में कलों का अच्छा फुटाव होता है। इसके बाद बायोविटा लिक्विड का स्प्रे 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से बुआई के 30 से 35 दिन के बाद यानी कि कल्ले फूटने की अवस्था में करना चाहिए, जिससे अधिक उपजाऊ कल्लों की संख्या बढ़ती है। बायोविटा लिक्विड का दूसरा स्प्रे बुआई के 60 से 65 दिन के बाद यानी कि बालियां निकलने से पहले 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से करना चाहिए। इससे बालियों में दाने अधिक मोटे भरे हुए एवं चमकदार बनते हैं। अब आप अपने खेतों में इसको इस्तेमाल करो और खुद जानो। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। अरे गोपाल, वाह, तुम्हारी फसल तो दमदार और स्वस्थ है और बालियों में दाने अधिक मोटे और चमकदार बने हैं। इस दमदार फसल के तो ज्यादा दाम मिलेंगे। मुखिया जी, ये सब तो बायोविटा का कमाल है। बायोविटा के प्रयोग से फसलें मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों व नमी का अधिक अवशोषण करती हैं, जिससे हमारी फसल अंदर से मजबूत एवं स्वस्थ बनती है तथा विपरीत परिस्थितियों का अच्छे से सामना करती है। बायोविटा के लगातार प्रयोग से मेरी फसल की क्वालिटी तो अच्छी है ही, मिट्टी का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा है। आजकल एक असली के 100 नकली होते हैं, असली बायोविटा की क्या पहचान है भाई? बायोविटा लिक्विड की बोतल पर पीआई के होलोग्राम वाली सील लगी होती है, जबकि बायोविटा दानेदार के पैक में होलोग्राफिक इफेक्ट दिखाई देता है।
फिर भी कोई शंका हो तो पैक पर लिखे टोल फ्री कस्टमर केयर नंबर 1800-208-1008 पर बात कर लो। अब नए अवतार में बायोवीटा का वादा, सर्वोत्तम उपज, धन धान्य ज्यादा।